बिलासपुर जिले के पंचायत सिकरोहा के चंदपुर गांव में डबल मर्डर मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मर्डर करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका ही पड़ोसी निकला। पुलिस ने इस मामले को 24 घंटे में सुलझा दिया है। इस हत्या के मामले में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बुजुर्ग दंपति का पड़ोसी ही निकला। पड़ोसी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर चोरी के लिए बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक दंपति के बेटे ने पुलिस को बताया कि गांव के एक व्यक्ति का उनके घर पर अक्सर आना जाना रहता था। पुलिस ने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए जब थाने बुलाया तो पहले तो वो आनाकानी करने लगा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से बुलाया तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही उसने वारदात में शामिल अपने दो साथियों के भी नाम बताए हैं। अन्य दो साथी अपने घरों में तो नहीं मिले, लेकिन उनकी लोकेशन चंडीगढ़ के माजरा के आसपास पाई गई। पुलिस की दो टीमें माजरा भेजी गई। वहां से पुलिस ने दोनों साथियों को भी धर दबोच लिया है। आरोपियों को जल्द ही अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि आरोपी शनिवार रात को चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए गए थे। इसी बीच बुजुर्ग दंपति से उनका सामना हो गया। आरोपियों ने उनकी गौशाला में तेज धार दराती से गले के पास वार कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन अभी हत्या के लिए इस्तेमाल हथियार और चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी करीब एक माह से वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। वही बेटे के अनुसार घर पर धार्मिक आयोजन कराया जाना था। घर पर करीब 5 लाख रुपए रखे थे। इसके अलावा लाखों रुपए के गहने भी घर पर ही थे, जिन्हें आरोपी चोरी कर ले गए हैं। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों में 22 साल का युवक भी शामिल है। आरोपियों की पहचान पड़ोसी भूरा राम 37 साल पुत्र छोटा राम निवासी गांव भोजपुर डाकघर सुई जिला बिलासपुर, सुमन कुमार उम्र 22 साल गांव बोही डाकघर बैरल तहसील अर्की जिला सोलन और मनोज कुमार उम्र 34 साल पुत्र कृष्ण चंद निवासी गांव खारसी डाकघर साई खारसी जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। वही बिलासपुर DSP मदन धीमान ने कहा है कि इन तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। जल्द ही इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।